गुड इवनिंग बच्चों, मैं शुभम जायसवाल आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ आईसीएसई 2023 ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट चैप्टर से आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई साउथ इंडियन रिवर्स आर नॉट आइडियल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉट आइडियल फॉर नेविगेशन एंड नेक्स्ट नॉर्थ नॉर्दर्न रिवर्स आर मोर सुटेबल फॉर नेविगेशन देन डेकन रिवर्स। डेकन रिवर्स मतलब साउथ इंडिया के रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलैंड वाटरवेज आर डिक्लाइनिंग इट्स इंपॉर्टेंस व्हाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कल के पेपर में यानी कि 13th of March 2023 आप लोग अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव थ्री रीजंस व्हाई एयरवेज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, नियरली 70% ऑफ इंडियंस डू नॉट यूज एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट एज पॉपुलर एज लैंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त, इनफैक्ट जितना भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रीड किया हूँ, कोशिश करिएगा कि आपके सारे आंसर्स पॉइंट्स में हो, पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्टेट इट्स थ्री इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मार्क कर लीजिए कल के पेपर में, ये आपको प्रिंटेड क्वेश्चन मिलने वाला है। व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्टेट इट्स थ्री इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसी को अलग तरीके से पूछेगा। व्हाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज एक्सट्रीमली क्रूशल फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवेज आर नॉट कॉमन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया व्हाई। इसमें आप लोग जब आंसर लिखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रिलीफ फीचर को स्पेशली मेंशन करके अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरवेज इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवेज बाइंड्स द इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्रेसवे एंड हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नॉट सुटेड फॉर रेलवेज एज वेल एज रोडवेज। पहले वाले में मैंने आप लोग के सामने रेलवेज बोला था, इसमें रेलवेज एज वेल एज रोडवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आप लोग इस क्वेश्चन को अपने पेपर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ध्यान रखिएगा, सब कैपिटल में लिखना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज लेड बिटवीन, आंसर होगा बॉम्बे एंड ठाणे, ईयर था 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन, इसका आंसर होगा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद NW1 स्टार्ट फ्रॉम, इसका आंसर है अलाहाबाद टू हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन्स इन इंडिया, आप लोगों के बहुत बच्चों के बुक में 16 होगा, ये पुराना वर्जन है, ये पुराना स्टैट से अभी करेंट 18 हो चुका है, ध्यान रखिएगा, और उसका 70 डिविजन्स है। आप लोगों के बुक में हो सकता है 16 के संग कुछ और डिविजन्स मेंशन किया हुआ रहा है, अभी जो करेंट स्टेटस है वो है 18 जोन्स विथ 70 डिविजन्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इट इज NH7। आप लोग में से बहुत कंफ्यूज है कि NH7 की NH44, NH7 ही NH44 है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। आप लोग इसको कश्मीर कन्याकुमारी लिख सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। ट्रांसपोर्ट में आप यदि इतना क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो कल आपको हो सकता है ट्रांसपोर्ट से आने वाला 11 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा इसी में से मिल जाए। बहुत जल्द आपके साथ मैं अवेलेबल रहूंगा मिनरल्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।